So, प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और न्यूमेरिकल मेथड्स के टॉपिक में हम लोग काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पहुंच गए हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस बाय इटरेटिव मैथड्स। तो हम लोग इटरेटिव मैथड्स को अब स्टडी करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि डायरेक्ट मैथड्स से तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, तीन मैथड पढ़ चुके हैं वहां पे, ठीक है ना। कौन कौन से हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं, LU decomposition, गॉस सीडल और गॉस जॉर्डन। और अब हम लोग इटरेटिव मेथड्स में आ गए हैं और यहां पे भी हमें तीन मेथड्स पढ़नी है। एक पढ़ना है जेकोबी, एक पढ़ना है गॉस सीडल और एक पढ़ना है रिलैक्सेशन मेथड, ठीक है। सारे के सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स के जो वीडियोज लेक्चर हैं वो एक प्लेलिस्ट में हम लोगों ने यूट्यूब पर डाल के रखी हुई है, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन पे भी हम लोगों ने एक छोटा सा फ्री कोर्स बना के रखा है न्यूमेरिकल मेथड्स, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हो। और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, देखना है जो अच्छा लगे पढ़ो, ठीक है। मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो विद्यार्थियों, इटरेटिव मेथड, जैसा कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी समझा था कि इटरेटिव मेथड्स वो होती हैं जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसकी ओर जाते हैं। एक बार में हमारा आंसर नहीं आता है, हम लोग पहली बार में कुछ रिजल्ट निकालते हैं इनिशियल सॉल्यूशन, फिर उसको और अप्रोक्सीमेट करके थोड़ा और जिसे कहें कि प्यूरीफाई करते हैं, फिर और प्यूरीफायर, और ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी क्रम में, उसी दिशा में पहला जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं इटरेटिव मेथड, उसका नाम है जेकोबी इटरेशन मेथड। सो दैट जेकोबी इटरेशन मेथड जो कि सबसे पहला मेथड है इटरेटिव मेथड्स में। अब जेकोबी मेथड में हम लोग कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग उसके वर्किंग रूल के ऊपर बात करते हैं। तो आइए जरा हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग रूल ऑफ जेकोबी इटरेटिव मेथड, ठीक है ना। ये इटरेशन मेथड, इटरेशन का मतलब ही होता है पुनरावृत्ति, किसी चीज की पुनरावृत्ति, मतलब जो आपने पहले काम किया है उसी को ही करना लेकिन कुछ नए डेटाबेस के साथ में, ठीक है ना। नाउ सो सपोज दैट हमारे पास में थ्री वेरिएबल का एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सपोज दैट दिस वन। और लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसकी एक खास बात है, ध्यान दीजिएगा कि हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इटरेटिव मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता है, कुछ कंडीशंस डाल रखे हैं यहां पे। वो कौन सी कंडीशन है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इटरेटिव मेथड्स। कंडीशन इज दैट कि ये तीनों इक्वेशन में, हर एक इक्वेशन में कोई खास बात होनी चाहिए। क्या खास बात होना चाहिए, हर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशियंट अन्य दो वेरिएबल जो हैं उनके कोफिशियंट से बड़ा होना चाहिए। देखो यही चीज लिखा है ना, इफ ए वन बी टू सी थ्री, इफ ए वन बी टू एंड सी थ्री आर लार्ज एज कंपेयर टू द अदर कोफिशियंट देन सॉल्विंग दीज फॉर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। जिस वेरिएबल का कोफिशियंट बाकी के कोफिशियंट से बड़ा होगा उस इक्वेशन को उस वेरिएबल के लिए सॉल्व किया जाएगा। मतलब कि पहली इक्वेशन जिसमें ए वन बी वन और सी वन से बड़ा है तो पहली इक्वेशन को हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन को वाई के लिए और तीसरी इक्वेशन को जेड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कि जो क्वेश्चन बुक में मतलब प्रैक्टिस में आए, पेपर में आए, उसमें हो सकता है कि ये इक्वेशंस ऊपर नीचे हो, है ना। यहाँ पे तो प्रिंसिपल डायगोनल की तरह दिख रहा है लेकिन हो सकता है पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशंस ऊपर नीचे हो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस वेरिएबल का कोफिशियंट बड़ा है और किसके छोटे हैं, ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया कि भाई ऐसी स्थिति है तो हम लोग फिर x को यही रखते हुए बाकी चीजों को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जैसे हमने b1y c1z को इधर लेकर आ गए और a1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में अल्टीमेटली x बराबर ये आ गया पहली इक्वेशन से, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन से हमारे पास y बराबर ये आ गया, तीसरी इक्वेशन से z बराबर ये आ गया। तो हम इस तरह से फिर से इक्वेशंस को लिखेंगे इस तरह से, जिसमें एक तरफ x y z दूसरी तरफ बाकी चीजें होंगी, ठीक है। Let us start with the initial approximation x0, y0, z0 as each is equals to 0. हम लोग
एक्स वाई जेड की वैल्यू को राइट हैंड साइड में, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, जो भी काम करना है राइट हैंड साइड में, पहले वाले में वाई और जेड को जीरो रखते हैं, दूसरे वाले में एक्स और जेड को जीरो रखते हैं, तीसरे वाले में एक्स और वाई को जीरो रखते हैं, तो हमारे पास में के वन के टू के थ्री के रूप में एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी। दीज आर दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर व्हाट, दिस इज योर स्टेप नंबर वन, ये इटरेशन नंबर वन। फिर हम लोग आ जाएंगे बच्चों दूसरे इटरेशन पे, दूसरे इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशन में y और z की जगह पर वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास में आ गई है यहां पर। जैसे y1 y की और z की वैल्यू क्या आ गई है, k2 और k3, हम लोग यहां लिख देंगे, तो नया x2 आ जाएगा हमारे पास में, ये x2 आ जाएगा। देखो हम लोगों ने यही करा ना, y1 और z1 को यहां पर रख दिया। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन में हम लोग x1 को और z1 को लिख देंगे, तीसरी इक्वेशन में x1 को और y1 को लिख देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, हमारे पास में आ जाएगी नई वैल्यूज किसकी, x2 y2 और z2 की। ये होगा हमारा सेकेंड इटरेशन कंप्लीट, ठीक है ना, सेकेंड इटरेशन कंप्लीट, यानी कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी किसकी, x y z की, जिसको हमने x2 y2 z2 नाम दे दिया है। यहां पर x1 y1 z1 का मतलब है पहली इटरेशन वैल्यू, x2 y2 z2 का मतलब है सेकेंड इटरेशन वैल्यू या फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और उसी तरह से हम लोग फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। मतलब ये जो वैल्यू निकलेगी x2 y2 z2 की, उन वैल्यूज को वापस इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x3 y3 z3 निकालेंगे, यानी कि थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आफ्टर द थर्ड इटरेशन। इसी प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि दो इटरेशन, सपोज दैट nth इटरेशन और n plus 1th इटरेशन, इन दोनों में जो x y z की वैल्यू आए वो लगभग मैच ना कर जाएं, तब तक हम लोग इस प्रोसेस को करते रहेंगे। आई होप कि ये वर्किंग रूल आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन, आपके सामने एक क्वेश्चन है, सॉल्व बाय जेकोबी इटरेशन मेथड द इक्वेशंस 20x plus y minus 2z is equals to 17, 3x plus 20y minus z is equals to minus 18, 2x minus 3y plus 20z is equals to 20. अगर आप ध्यान दें तो पहली इक्वेशन में x, दूसरी इक्वेशन में y और तीसरी इक्वेशन में z के कोफिशियंट बाकी के जो दो वेरिएबल हैं उसी इक्वेशन में के कोफिशियंट से बड़े हैं, तो पहली इक्वेशन x के लिए, दूसरी इक्वेशन y के लिए और तीसरी इक्वेशन z के लिए सॉल्व होगी, सिंपल सी बात है। तो हम इन इक्वेशंस को फिर से लिख देते हैं कुछ इस रूप में, ये लाइक दैट, ठीक है ना, ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा और आप डायरेक्ट रीराइट कर देंगे इक्वेशंस को फॉर एक्स वाई जेड इस रूप में, है ना। हमने कुछ नहीं करा है, हम लोगों ने एक्स के लिए इन दोनों को पहले इधर लेकर आए और 20 से डिवाइड कर दिए, दूसरी वाली इक्वेशन में 3x और माइनस जेड को इस तरफ लेकर आए हैं और 20 से डिवाइड कर दिया, तीसरी इक्वेशन में 2x और माइनस 3y को राइट हैंड साइड में लाए और 20 से डिवाइड कर दिया, तो विल गेट दिस वन, ठीक है ना। तो ये हमारी मेन इक्वेशंस हैं, एक दो और तीन, हम इन्हीं इक्वेशंस में विद्यार्थियों सारी की सारी चीजों में काम करेंगे, ठीक। हमने क्या लिखा, वी स्टार्ट फ्रॉम द अप्रोक्सीमेशन x0 y0 z0 इज इक्वल टू 0, मतलब हम इन इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y z की जगह पर 0 0 0, तो जब हम लोग यहां 0 0 लिख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 17/20, तो ये आपके पास में x1 यानी कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग दीज ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 1, एक्चुअल में इस पूरे को ही शायद उसने इक्वेशन 1 कहा है, ठीक है ना, राइट, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, तो राइट इस इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में xyz को 0 रख दीजिए, सो वी विल गेट x1 इज इक्वल्स टू 17/20, 0.85 लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल्स टू -18/20, -0.9 लिख सकते हैं, और z1 इज इक्वल्स टू 25/20, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एक बार चला जाएगा, दिस इज 1 point, फिर आपका 5 बचेगा तो 0.50 हो जाएगा, एंड यस 50, सो 50 तो वहां पे 1 आएगा, आई थिंक दिस इज 2 or 5, ठीक है ना, सो इट्स अ 1.25, तो दैट्स अ 1.25 विद्यार्थियों, ये यहां पर आपने पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली है एक्स
y और z की। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, तीनों वैल्यूज x1, y1, z1 की, इन वैल्यूज को वापस इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और नए x, y, z की वैल्यू निकालेंगे एज x2, y2, z2। तो देखो यहां पर फिर y और z की जगह कितना लिखोगे बच्चों, y की जगह पे लिखोगे -0.9 और z की जगह लिखोगे 1.25। तो ये जब वैल्यूज आप लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.02। कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 1.02। चाहो तो आप करके देख लेना, इट्स वेरी इजी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। यहां पर इन्होंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू लिख दी है, आप लोग लेकिन इसको क्रॉस चेक करेंगे कि यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि मुझे यहां पर चीजों को समझ के और समझाना बहुत आसान है, लेकिन आप समझ भी जाएंगे बहुत अच्छे से, परंतु पेपर में लिखना उतना ही मुश्किल है। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा कम से कम दो क्वेश्चंस की, ठीक है, इसकी करिएगा और एक और जो मैं होमवर्क में दूंगा उसकी करिएगा। तो ये x2 की वैल्यू आ गई, फिर यहां पर x1 और z1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट y2 एज -0.965 और इसी तरह से z2 की वैल्यू हो जाएगी जब x1 और y1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट्स 1.1515। तो ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, ये जो होता है बच्चों ये कहलाता है फर्स्ट इटरेशन, ठीक है ना। ये हो तो गया सेकेंड इटरेशन, यानी कि सेकेंड पुनरावृत्ति हम लोगों ने करी किसकी, प्रोसेस की। नाउ फिर सिमिलरली विद्यार्थियों, हमारे पास में ये जो वैल्यूज आई हैं x2, y2, z2, इन x2, y2, z2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1, जो तीन इक्वेशंस थी। तो देखो x3, y3, z3 आएगी, उसके लिए हमने y2, z2, x2, z2 और x2, y2 वैल्यू को यूज करा और हमारे पास में तीसरे इटरेशन के बाद में, कैलकुलेशन के बाद में ये वैल्यूज आई x2, x3, y3 और z3 के, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि देखो वैल्यूज बदलती जा रही है, थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है, ठीक है। सिमिलरली फिर ये जो वैल्यूज आएंगी इनको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन वन में तो फिर हमारे पास में x4, y4, z4 आ जाएगा, दैट्स, ठीक है ना। ये देखो यहां पर x3, y3, z3, x3, z3 एंड x3, y3, इन वैल्यूज को हमने यूज करा तो ये आपके पास में वैल्यूज आ गई हैं किसकी, x, y और z की, फोर्थ इटरेशन है ये। फिर और आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों इसी तरह से तो हमारे पास में x5, y5 और z5 आ जाएगा यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x4, y4 एंड z4। तो ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखने लगेगा कि ये वैल्यूज किस तरफ जा रही हैं, आप अंदाजा लगा पाएंगे कि व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड अप्रोचिंग, ये कहां अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या कन्वर्ज हो रहे हैं, रियल एनालिसिस की भाषा में इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन वन वी गेट x6, y6, z6। तो अगर आप इनकी वैल्यू देखेंगे तो चार डेसिमल तक ये जो है ना बिल्कुल फिक्स आ गई हैं। यहां पर चार डेसिमल लिए थे, यहां पर भी हमने चार डेसिमल लिए, ठीक है। तो हमारे पास में जो वैल्यूज हैं विद्यार्थियों वो 1, माइनस 1 और प्लस 1 आ गई है। सो फिफ्थ और सिक्स्थ इटरेशन से जो वैल्यूज आई हैं वो लगभग सेम आ गई हैं और इसीलिए हम लोग यहां पर जो सोल्यूशन है वो लिख देते हैं x is equals to 1, y is equals to minus 1 और z is equals to plus 1। अगर मान लो कि ये वैल्यूज में इस तरह से बिल्कुल जिसे कहें कि इंटीजर की ओर अगर ये वैल्यूज नहीं जा रही होती और किसी डेसिमल नंबर की ओर अप्रोच कर रहे होते तो जो भी चार डेसिमल के बाद में वैल्यूज होती वो हम लोग यहां पे लिख देते हैं। सामान्यतः जब अपन लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो पहले दो डेसिमल वैल्यूज मैच करना शुरू करती है, फिर तीन करती है, फिर चार करती है। तो सामान्यतः पेपर में अगर कुछ ना कहा जाए तो आप कम से कम तीन डेसिमल वैल्यूज को मैच जरूर करिएगा दो इटरेशंस में, यहां पर और यहां पर तीन डेसिमल वैल्यूज कम से कम मैच कर जाए। उसके लिए चार से पांच डेसिमल वैल्यूज का कैलकुलेशन करिएगा तब ये आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बच्चों आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो जैकोबी इटरेशन मेथड है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन में होमवर्क में आपको देके जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे ताकि ये जो प्रोसीजर है आप लोग और अच्छे से समझ पाए विद्यार्थियों, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ले जाइए प्यारा सा, यस। सो दैट्स द क्वेश्चन।
27x plus 6y minus z is equals to 85 and 6x plus 15y plus 2z is equals to 72 and x plus y plus 54z is equals to 110. So, ये तीन इक्वेशन से बच्चों आपको दिख रहा होगा कि पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन किसके लिए सॉल्व होगी. इन इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा बाय जेकोबी मेथड. ध्यान दीजिएगा कि जो मैथ, जो क्वेश्चन जेकोबी से सॉल्व हो सकता है वो गॉस सीडल से भी सॉल्व हो सकता है, रिलैक्सेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है. एक ही क्वेश्चन तीन मेथड से सॉल्व हो सकता है. तो आप ऐसा करेंगे जब तीनों मेथड्स को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसका जब आंसर आप लोग निकालेंगे विद्यार्थियों, तो इसका जो आंसर है एक्स वाई जेड का बाय जेकोबी मेथड अराउंड 2.426, एक्स बराबर 2.426, वाई बराबर आएगा 3.574 और जेड बराबर आएगा 1.926. और ये जो तीनों आंसर है जब जेकोबी से करोगे ना विद्यार्थियों, तो लगभग जिसे कहें कि सिक्स्थ इटरेशन और सेवन्थ इटरेशन में आपको ये वैल्यूज मिलेंगी. ये थोड़ी सी लेंथी मेथड है बिकॉज इसमें आपको जो पिछले इटरेशन में वैल्यूज आती हैं एक्स वाई जेड की, उसको अगले इटरेशन में हूबहू यूज किया जाता है, ठीक है ना, राइट. लेकिन गॉस सीडल में थोड़ा सा इस टेक्निक, इस प्रोसीजर को इम्प्रूव कर दिया है, थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया है, ठीक है ना. जैसे एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं वैसे ही, कहते हैं इस मेथड को अगले जो गॉस सीडल है उसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है. लेकिन आप तब तक इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए. हम लोग नेक्स्ट क्लास में गॉस सीडल मेथड के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत मेहनत करिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, सकारात्मक रहिए, अननेसेसरी की चीजों से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, राइट. और अपने लिए तो हैं ही आप इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसलिए अपने आप को दूसरे जो जंजाल हैं जो आपको नीचे की ओर लेके जाते हैं, या फिर अवसाद, या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहिए, ठीक है ना. मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे. जय हिंद, वंदे मातरम. राष्ट्र के लिए अच्छा सोचिए.